बेटियां पैदा होने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। बेसहारा खातून किस तरीके से जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है और किसी मसीहा की मुंतजर है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बस भाई, शादी पसंद दी हुई सी, गैर सन, ठीक नहीं निकले, मारदे कुटदे सन, जुलम करदे सन बच्चियां ते मेरे ते, ते घरों भी काट दिता उन्होंने। बहुत उन्होंने जुलम साढ़े ते कीता है, मेरे बच्चियां ते मेरे ते। बड़ी परेशान हो के भाई मैं घरों उन्होंने काट दिता, कुछ मैं खुद भी निकल आई, क्योंकि आए दिन ते आ मेरी बच्ची नू मारदा सी, मेरी वड्डी बेटी नू मारदा सी, मेरियां बच्चियां रोंदियां सन, सहम जांदियां सन। किसी किसी टाइम वो कहिंदा सी मैं तुहानू जान तो ही मार देना है, तुसी जिस तरह सानू ना अच्छा नहीं सन समझदे। सस बहुत जालम सी, वो भी ना अच्छा नहीं सी समझ। बेटियां पैदा होने की सजा दे रहे सी। बस बेटियां भी पैदा होने की सजा दे रहे सन। ए ते रहमतां होंदियां ने, रहमतां होंदियां ने भाई, कोई नहीं समझदा। किस तरीके से बच्चों की तरबियत भी कर रही हैं, पाल भी रही हैं, कैसे अखराजात पूरे करती हैं? भाई 1.5 साल तो बड़ी मुश्किल में ना दर्द दर्द धक्के खा रही हाँ, कभी कितने रहनी हाँ, कभी कितने रहनी हाँ। 3 मेरिया बेटियां ने, 1 मेरा बेटा है, बच्चे भी घर नहीं मैं छड़ सकती कल्ले, क्योंकि तुहानू पता है अजकल दे मुल्क दे हालात किड्डे खराब ने, बच्चियां ही नहीं कल्लियां घर छड़ियां जांदियां। जे काम ते जानी हाँ तो बच्चियां दी टेंशन लगी रहिंदी है, जे बच्चियां को रहनी हाँ 2-2 दिन मेरे बच्चे भुखे रहिंदे ने, रोंदे ने रालदे, हमसाए वे वे के शोर सुन के आंदे ने कि बच्ची क्यों इन्ना रो रहे ने। तो मेरे बच्चे वो पुछदे ने बेटा क्यों इन्ना तुसी रोंदे जे, तुहाडे घरों क्यों इन्नियां चीखां दी आवाज़ आंदी है? तो कहिंदे साडी मम्मा सानू रोटी नहीं देंदे। इस तो भाई मेरे बच्चे जिहड़े ने, मैं अपने बच्चियां दी मजबूरी तो मीडिया ते आई हाँ, वेख वेख के अपने बच्चियां दा दुख नहीं सी मेरे तो बर्दाश्त हुंदा। हमसाए वाले है ते पुछदे ने कि बच्चियां दी रोंदी की आवाज़ क्यों आती है, ते मदद नहीं करते भाई, मदद नहीं करते, पर कभी कभी सालन रोटी दे भी जाते ने। ऐ बच्ची दुध तो हर टाइम तरसती रहती है, मैं इन्हू दुध नहीं दे सकती। किराए का घर है, सारे सिस्टम भी आप करते हो, तो काम की करते हो? भाई मैं लोगों के घर काम करनी हाँ ना, तो बस 10,000 रुपया हूँ मेरा उन्होंने किराया कर दिता है, तो कहते ने अगर नहीं तुसी दे सकते तो फिर साडा मकान खाली करो। इन्ने पैसे कमा लेंदे हो कि इन्ने खराजात कर लेंदी कली जान? नहीं भाई कर सकती मैं, कभी कभी दिल करते सिर्फ बच्चे लैके खुदकुशी कर लवा, इस दुनिया तो सही गले चली जावा। बहुत परेशान होनी हाँ, बड़े ही मजबूर है, मेरे बच्चे रोंदे ने, मेरी बर्दाश्त तो बाहर हो जाता अपने बच्चों वेख वे के। तुहानू पता है एक माँ नहीं बर्दाश्त करती, सारा कुछ बर्दाश्त कर लेंदी, अपने बच्चों की भुख प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकती। बच्चे पढ़ भी नहीं रहे? नहीं भाई मैं अपने बच्चों को कितों पढ़ावा, मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं किराया नहीं पूरा कर सकती, जिहड़ा मैं कमानी हाँ कभी किराया दे दिनी हाँ, कभी बच्चों को खवा लेनी हाँ। हुण इह दसो कि मेरे नाज़िम तुहाडी किस तरह मदद करन? भाई मेरी मदद करन अल्लाह दे नेक बंदे, अल्लाह उन्होंने ज़्यादा देवे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं बड़ी परेशान हाँ, मेरे बच्चे 2 टाइम की रोटी खाएंगे, असी नमाज पढ़ांगे, दुआ देंगे। ससुराल वाले हैं, उन्होंने सिर्फ बेटियां पैदा होने के ऊपर किस तरीके से इनके साथ ज्यादती की। हम चाहते हैं साया वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से इनकी मदद हो। अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर जैस कैश के लिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। खुदारा इनके साथ अगर आपने इनकी मदद करनी है तो आप इनसे रब्ता कीजिए। अगर आपने इनकी मदद नहीं करनी, कोई तमाशा देखना है, कोई मजाक उड़ाना है, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।